नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, फूल गोभी भारत की प्रमुख सब्जियों में से एक है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में यह सब्जी सितंबर से मार्च के महीने में उगाई जाती है, लेकिन अगेती फूल गोभी की बुआई मध्य मई से जून के अंत तक करते हैं। फूल गोभी की अगेती खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फूल गोभी में लगने वाले प्रमुख रोग, कीट एवं क्रियात्मक विकार के बारे में। किसान भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे रोग की। तो किसान भाई, फूल गोभी के रोगों को क्रमशः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला शरीर क्रियात्मक विकार व दूसरा वर्ग उन रोगों का है जो फफूंद, जीवाणु, विषाणु आदि के आक्रमण से फैलता है। तो किसान भाइयों, रोग में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियात्मक विकार की। तो पहला आता है खोखला तना। जब नत्रजन की अधिकता से तने में तेजी से वृद्धि होती है तो तना खोखला हो जाता है। पौधे का सघन रोपण व नत्रजन का सही उपयोग ही इस विकार को कम करता है। अगला क्रियात्मक विकार है व्हिपटेल। यह विकार मालिब्डेनम की कमी से होता है, जिसमें पर्ण पटल ठीक से वृद्धि नहीं कर पाता और पत्तियों का आकार लंबे पत्ते जैसा हो जाता है। इनमें केवल मध्य फीरा ही विकसित होता है। इसकी रोकथाम के लिए 1 किग्रा फोडियम मालिब्डेनम को उर्वरक के साथ प्रयोग करना चाहिए। अगला क्रियात्मक विकार है बटनिंग। इसमें बहुत छोटे छोटे बटन के आकार के फूल बनते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पौधा समय से पहले ही प्रवस्था से उत्पादन अवस्था में चला जाता है। दूसरा कारण नत्रजन की कमी से भी होता है, अतः इसके बचाव के लिए रोपण व नत्रजन की समय के से पूर्ति करना आवश्यक है। अगला क्रियात्मक विकार है अंधता। इस प्रकार के पौधे में वर्धनशिला पाला कीट आक्रमण व अन्य किसी कारण से नष्ट हो जाती है, जिससे पौधा वनस्पतिक वृद्धि करता है। पत्ते बड़े बड़े, मोटे, भारी व गहरे रंग के हो जाते हैं और फूल विक्रय हेतु नहीं रह पाते। अगला क्रियात्मक विकार है ब्राउनिंग। यह विकार बुरान तत्व की कमी से होता है। फूल के तने के अंदर छोटे छोटे पानी भरे हुए भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और फिर तना खोखला हो जाता है। फूल की बाहरी और कुछ आंतरिक भाग भूरे रंग का हो जाता है। फूल के ये भाग खाने योग्य नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख रोग की। तो पहला रोग है क्लेद गलन। यह रोग रोपण के समय बीज अंकुरों में होता है। इसके लिए विभिन्न कवक जिसमें पीथियम, फाइटोथोरा, फ्यूजोरियम, राइजोटोनिया की विभिन्न स्पीसीज मुख्य हैं। सबसे पहले इसका आक्रमण बीज अंकुर के समय होता है, जिससे बीज अंकुर जैसे ही बीज बाहर आता है फट जाता है। इसके बचाव के लिए बीज को कैप्टान या थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। अगला रोग है काल छय। यह रोग जेंथोमोनास कंपेस्टरिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इसमें पत्ते पीले व फिराएं काली पड़ जाती हैं तथा बाद में पत्तियां पर धब्बे पड़ जाते हैं। जीवाणु बीज के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। निदान के लिए बीज को 25 से 30 मिनट के लिए 52 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले गर्म जल में डुबाने के बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन घोल 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में 30 मिनट तक उपचारित करना चाहिए। अगला रोग है फूलगांठ फड़न। यह स्क्लेरेटोनिया तथा इरविनिया नामक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। इसमें फूल गोभी गांठ फड़ने लगती है। इसके निदान के लिए गांठ बनते समय मैंकोजेब 0.25% तथा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रमुख कीट की। तो पहला कीट है एफिड्स। यह छोटे छोटे हरे रंग के होते हैं जो पौधे के सभी भागों के रस चूसते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरीड का 17.5 ml दवा का 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगला कीट है कैबेज मैगेट। इस कीट के छोटे छोटे सफ़ेद रंग के गिटार पहले छोटी जड़ों पर आक्रमण करते हैं और बाद में मुख्य जड़ में पहुंच जाते हैं। पौधा मुरझाने लगता है और मर जाता है। इसके निदान के लिए रोपाई के समय दिए जाने वाले जल में क्विनाल्फास या क्लोरपाइरीफास मिलाना लाभप्रद होता है। तो किसान भाई, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर लाभ प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ये जानकारी दूसरे किसान भाइयों को भी प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर को।